उत्तर प्रदेश के अमेठी में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना अमेठी के सथिन गांव की है, जहां पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद उसका शव खेत में फेंक दिया था, जहां गांव से दूर खेत में खून से लथपथ पत्नी का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि सथिन गांव के रहने वाले जगदीश यादव ने अपनी 38 वर्षीय पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर शव को गांव के दक्षिण जगदीशपुर मार्ग के किनारे स्थित खेत में फेंक दिया, जिसके बाद आरोपी खुद पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर नगर कोतवाली पहुंचकर हत्यारे ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। वही घटना को लेकर बताया गया कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी से नाराज होकर पति ने हसिया से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। अमेठी से रत्नेश अग्रहरी की रिपोर्ट। वो पापा मेरे पास कॉल किए थे और बोले कि तुम्हारी मम्मी की कोई गर्दन काट गया है। रात में अब कुछ नहीं, हम लोग रोने लगे थे। सर फिर से पापा कॉल किए और बोले कि सच में हम कह रहे झूठ निकले, अपने मामा लोग को बुला लो। और हमारे चाचा जी, जो अपने चाचा जी को मैंने बताया तो उन्होंने कॉल किया, तो वो कह रहे थे नहीं मैं सच में कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। देखिए आज 30 तारीख दाना बाजार शुक्ल क्षेत्र में एक महिला का पति ने मार दिया था, इसके बारे में पुलिस को घटना तुरंत मिल गई। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को बरामद किया। अभी पंचनामा भर के इसके पीएम के लिए आगे भेजा जा